नंबर फर्स्ट हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन इमेज, आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट इन इमेज। दिस इंस्ट्रूमेंट इज ऑप्शन फर्स्ट इज ऑटोस्कोप, सेकेंड इज द प्रोटोस्कोप, थर्ड इज द टोनोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज द ऑप्थेल्मोस्कोप। तो राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द ऑटोस्कोप। ओके नेक्स्ट, एन ऑटोस्कोप और ओरिकोस्कोप इज ए मेडिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू लुक इनटू द ईयर्स। ओके ऑटोस्कोप, सॉरी ऑटोस्कोप आल्सो कॉल्ड एज ए ऑटोस्कोप, ठीक है, यह एक मेडिकल डिवाइस है जिसका यूज आई का एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। ओके ऑटो मीन्स होता है ईयर एंड स्कोप मीन्स होता है एग्जामिनेशन। तो मीन्स ऑटोस्कोप मीन्स ईयर एग्जामिनेशन। ओके नेक्स्ट आता है टोनोमेट्री। तो व्हाट इज द टोनोमेट्री? टोनोमेट्री इज द प्रोसीजर आई केयर प्रोफेशनल्स परफॉर्म टू डिटरमाइन द इंट्राओकुलर प्रेशर, द फ्लूड प्रेशर इनसाइड द आई। टोनोमेट्री क्या है? टोनोमेट्री एक प्रोसीजर है जो आई केयर प्रोफेशनल्स हैं वो यूज करते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर का पता करने के लिए या इंट्राओकुलर प्रेशर को मेजर करने के लिए। इंट्राओकुलर प्रेशर क्या होता है? इंट्राओकुलर प्रेशर की बात करें तो लिखना कि द प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एक्वास ह्यूमर्स कॉल्ड इंट्राओकुलर प्रेशर। ओके द इंट्राओकुलर प्रेशर मेजर्ड बाय ए इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस कॉल्ड टोनोमेट्री। ओके नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर है, नॉर्मल आईओपी इज 16 to 21 mm of Hg। ओके ये हो गया टोनोमेट्री। नेक्स्ट प्रोटोस्कोपी। प्रोटोस्कोपी इज ए कॉमन मेडिकल प्रोसीजर इन विच एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोटोस्कोप, प्रोटोस्कोप आल्सो कॉल्ड एज ए रेक्टोस्कोप। ओके प्रोटोस्कोप इज यूज्ड टू एग्जामिन द एनल कैविटी, रेक्टम और सिग्मोइड कोलन, ठीक है। प्रोटोस्कोप को हम रेक्टोस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज क्या है? इसका यूज है कि एग्जामिन द एनल कैविटी, रेक्टम और सिग्मोइड कोलन। इसमें रेक्टम, ठीक है, एनल कैविटी और सिग्मोइड कोलन का एग्जामिनेशन किया जाता है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोपी ऑल्सो कॉल्ड एज ए फंडोस्कोप, इसको भी हम फंडोस्कोप बोल सकते हैं। ये भी क्या है? इट इज ए टेस्ट दैट अलाउज ए हेल्थ प्रोफेशनल्स टू सी इनसाइड द फंडस ऑफ द आई, फंडस ऑफ द आई। ओके एंड अदर स्ट्रक्चर यूजिंग एन ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप ऑल्सो कॉल्ड एज ए फंडोस्कोप। फंडोस्कोप और ऑप्थेल्मोस्कोप से क्या किया जाता है? इसके द्वारा एग्जामिनेशन ऑफ द फंडस ऑफ द आई, आई के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका हम एग्जामिनेशन करते हैं, जो है उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया हमारा। सेकेंड क्या है? आइडेंटिफाई डिजीज बेस्ड ऑन फॉलोइंग इमेज ऑफ मैस। ओके
आइडेंटिफाई डिजीज बेस्ड ऑन फॉलोइंग इमेज ऑफ मैस, जो ये मैस है ये कौन सी डिजीज, कौन सी सर्जरी के अंदर यूज किया जाता है, इसको आइडेंटिफाई. दिस इज यूज्ड इन ऑप्शन फर्स्ट है थोरेकोटोमी सर्जरी, इंग्वेनल हर्निया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और नॉन या नन. तो राइट आंसर इज द इंग्वेनल हर्निया. मेस प्लांट आर यूज इन इंग्वेनल हर्निया. ओके, किसके अंदर यूज करते हैं? इंग्वेनल हर्निया. ओके, द राइट आंसर इज द इंग्वेनल हर्निया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा दी बिलो सॉ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन विच सर्जरी, जो ये नीचे दिया गया जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमें इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, ये कौन सी सर्जरी के अंदर यूज किया जाता है. तो इसके अंदर है ऑप्शन फर्स्ट इज द एब्डोमिनल सर्जरी, ऑप्शन सेकंड इज द थायरोडेक्टोमी सर्जरी, ऑप्शन थर्ड इज द थोरेकोटोमी, ऑप्शन फोर्थ इज द सिजेरियन सेक्शन. तो राइट आंसर इज द, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थायरोडेक्टोमी सर्जरी. किसके अंदर होता है यूज ये होता है इंस्ट्रूमेंट? थायरोडेक्टोमी सर्जरी. आंसर इज सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, थायरोडेक्टोमी सर्जरी. अब हम बात करते हैं कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है. तो नेक्स्ट देखते हैं इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है. जो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वो नाम है जोल्फ सेल्फ रिटेनिंग थायराइड रिट्रैक्टर. इसका जो यूज है वो यूज क्या है? फॉर रिट्रैक्शन ऑफ स्किन फ्लैप्स इन थायरोडेक्टोमी. जो वो इंस्ट्रूमेंट देखा हमने, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जोल्फ सेल्फ रिटेनिंग थायराइड रिट्रैक्टर. इसका यूज है थायरोडेक्टोमी सर्जरी के अंदर यूज होता है. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय नर्स इन फॉलोइंग इमेज. इस इंस्ट्रूमेंट को देखो, व्हाट इज दिस? ऑप्शन फर्स्ट ओम फोर्सेप्स, ऑप्शन सेकंड इज द चिटल फोर्सेप्स, ऑप्शन थर्ड इज द स्पंज होल्डिंग और ऑप्शन फोर्थ इज द कोचर फोर्सेप्स. तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इज द चिटल फोर्सेप्स. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कि चिटल फोर्सेप्स आर यूज्ड टू रिमूव स्टेलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम बॉयलर्स एंड फॉर्मलिन कैबिनेट. ओके, जो चिटल फोर्सेप्स है इसका यूज है कि जो स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको हमें बाहर निकालने के लिए काम में किया जाता है. क्यों? क्योंकि अगर स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट को हम हैंड से टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है? कंटामिनेटेड हो जाता है. इस कंटामिनेट से बचने के लिए हम चिटल फोर्सेप्स का यूज करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आइडेंटिफाई द ट्यूब इन इमेज. इस जो इमेज है वो क्या है, तो इस की बात करते हैं हम. तो दिस इज द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ऑप्शन सेकंड इज द ओरोफेरिंजियल ट्यूब, ऑप्शन थर्ड इज द एंडोट्रेकियल ट्यूब और ऑप्शन फोर्थ इज द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब. तो राइट आंसर होगा हमारा क्या? आंसर थर्ड, एंडोट्रेकियल ट्यूब. ओके, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर. एंड अब बात करते हैं कि एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या होती है. एंडोट्रेकियल ट्यूब इज ए फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब. ओके, दैट इज यूज्ड या दैट इज प्लेस्ड थ्रू द माउथ इनटू ट्रेकिया.
ट्रेकिया ऑल्सो कॉल्ड ए वाइन पाइप टू हेल्प ए पेटेंट ब्रीथ सॉरी हेल्प ए पेशेंट ब्रीथ द एंडोट्रेकियल ट्यूब इज देन कनेक्टेड टू ए वेंटिलेटर विच डिलीवर्स ऑक्सीजन टू द लंग्स दिस प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग द ट्यूब इज कॉल्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। हाँ समझो, एंडोट्रेकियल ट्यूब है एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब है जो कि माउथ से माउथ के द्वारा या माउथ से ट्रेकिया के अंदर प्लेस किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, जिससे क्या हो सकता है पेशेंट को ब्रीथ मिलती है या हेल्प ए पेशेंट ब्रीथ। और इस एंडोट्रेकियल ट्यूब को हमें वेंटिलेटर से क्रिएट करते हैं और वेंटिलेटर है वो लंग्स को ऑक्सीजन डिलीवर करता है। जो ये प्रक्रिया है माउथ से लेकर के ट्रेकिया, जो माउथ के द्वारा एंडोट्रेकियल ट्यूब को ट्रेकिया में इंसर्ट करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। दिस टाइप ऑफ ड्रेसिंग नोन एज, जो इस टाइप की ड्रेसिंग है, यहां पे वुंड है एंड वुंड इज कंप्लीटली क्लोज्ड एंड इज कनेक्टेड ए ट्यूब टू मशीन। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द फोम ड्रेसिंग, ऑप्शन सेकंड इज द स्पंज ड्रेसिंग, ऑप्शन थर्ड द नेगेटिव प्रेशर ड्रेसिंग और ऑप्शन फोर्थ इज द पॉजिटिव प्रेशर ड्रेसिंग। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर थर्ड, नेगेटिव प्रेशर ड्रेसिंग। इसका आंसर होगा नेगेटिव प्रेशर ड्रेसिंग, इसको बोल सकते हैं नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी या बोल सकते हैं वेक। ओके, तीनों एक ही वर्ड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेगेटिव प्रेशर ड्रेसिंग क्या होती है, व्हाट इज द नेगेटिव प्रेशर ड्रेसिंग। नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी ऑल्सो नोन एज ए वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर, ठीक है, मीन्स वेक, इज ए थेरेप्यूटिक टेक्निक्स यूजिंग ए सक्शन पंप। ओके, जो है ये थेरेप्यूटिक टेक्निक्स है, इसके अंदर एक सक्शन पंप होता है, दूसरा इसके अंदर ट्यूब और एक होती है एंड ए ड्रेसिंग टू रिमूव एक्सेसिव एक्जुडेट, ठीक है, रिमूव करते हैं एक्सेसिव एक्सेसिव एक्जुडेट, जो भी है अंदर इंफ्लामेशन की वजह से जो फ्लूड कलेक्शन हुआ अंदर पस वो उसको बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं। ओके, एंड क्या करते हैं, प्रोमोट हीलिंग इन एक्यूट और क्रोनिक वंस। ओके, एंड सेकेंड एंड थर्ड डिग्री बंस, जो वेक है वेक को बोल सकते हैं वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर या बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, एक थेरेप्यूटिक टेक्निक्स होती है जिसके अंदर एक सक्शन पंप होता है, एक ट्यूब होती है, एक ड्रेसिंग होती है। तो उससे क्या होता है कि रिमूव एक्सेसिव एक्जुडेट, और क्या होता है जो अगर एक्सेसिव एक्जुडेट इन्फ्लामेशन के अंदर जो वुंड के अंदर फ्लूड एक्यूमुलेट हुआ पस एक्यूमुलेट हुआ उसको बाहर निकालते हैं, जिससे क्या होता जो हीलिंग है वो प्रोमोट होगी। ओके, इंक्रीज होगी हीलिंग, ठीक है। एनपीडब्ल्यूटी प्रोमोट्स वुंड हीलिंग बाय अप्लाइंग ए वैक्यूम थ्रू ए स्पेशल सील ड्रेनेज। ओके, द कंटिन्यूड वैक्यूम ड्रॉ आउट फ्लूड फ्रॉम द वुंड्स एंड इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द एरिया। ये क्या करता है, वेक लगातार, ठीक है, कंटिन्यूस है, वहां से जो एक्यूमुलेट फ्लूड है उसको बाहर निकाल देता है और वहां पे क्या हो जाती है ब्लड सप्लाई को भी बढ़ाता है। ओके, अब बात करते हैं वे की, इस वे के बेनिफिट क्या है, बेनिफिट भी पता होना चाहिए कि वे के जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ वे के क्या बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स, जो पहला बेनिफिट्स है हमारा एक्सीलरेट वुंड हीलिंग टाइम, वुंड
हीलिंग टाइम, ठीक है, एक्सीलरेट वुड हीलिंग टाइम, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पैथोजेनिक इन्फेक्शन। सेकंड बात करते हैं, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पैथोजेनिक इन्फेक्शन, जो ये होगा एक्सीलरेट वुड हीलिंग टाइम, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पैथोजेनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट हो जाएगा रिड्यूस द नंबर ऑफ ड्रेसिंग चेंजेस, रिड्यूस द नंबर ऑफ ड्रेसिंग चेंजेस, और क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द वुंड एरिया व्हाइल स्मेटुनियसली ड्रॉइंग आउट एक्सेसिव फ्लूइड। क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द एरिया, इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो टू द एरिया, ब्लड फ्लो होगा तो क्या होगा, प्रोमोट वुंड हीलिंग, प्रोमोट वुंड हीलिंग, तो इसके ये हो गए बेनिफिट्स। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई फॉलोइंग इन इमेज, इस इमेज को आइडेंटिफाई करो। तो ऑप्शन फर्स्ट है वुंड ड्रेन, ऑप्शन सेकंड है हीमोड्रेन, हीमोवेक ड्रेन, जैक्सन प्रेट ड्रेन, नन ऑफ द अबो। ओके तो राइट आंसर इज द क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यह है आंसर इज 3, जैक्सन प्रेट ड्रेन। ओके नेक्स्ट ए जैक्सन प्रेट ड्रेन ऑल्सो कॉल्ड ए जेपी ड्रेन, ओके, इज ए क्लोज्ड सक्शन मेडिकल डिवाइस दैट इज कॉमनली यूज्ड एज ए पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेन फॉर कलेक्टिंग बॉडीली फ्लूइड्स फ्रॉम सर्जिकल साइट। दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ एन इंटरनल ड्रेन कनेक्टेड टू ए ग्रेनेड शेप्ड बल्ब वाया प्लास्टिक ट्यूब। जैक्सन प्रेट ड्रेन, जो जेपी ड्रेन है, ये क्लोज्ड सक्शन मेडिकल डिवाइस होती है जो कॉमनली पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद यूज की जाती है, जिसके द्वारा सर्जरी के द्वारा आफ्टर सर्जरी कलेक्शन ऑफ फ्लूड या एक्यूमुलेटेड ऑफ फ्लूड है, कलेक्शन ऑफ फ्लूड या एक्यूमुलेटेड फ्लूड को बाहर निकाल दिया जाता है इस ड्रेन के द्वारा। ओके नेक्स्ट बात करते हैं हीमोवेक ड्रेन, ए हीमोवेक ड्रेन इज यूज्ड टू रिमूव फ्लूड दैट बिल्ड अप इन एन एरिया ऑफ योर बॉडी आफ्टर सर्जरी। ओके और ए सर्जिकल ड्रेन इज ए ट्यूब यूज्ड टू रिमूव पस ब्लड और अदर फ्लूड फ्रॉम ए वुंड। ओके ये हो गया हमारा जेपी ड्रेन, ठीक है, हीमोवेक ड्रेन और सर्जिकल ड्रेन। ओके नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन इमेज, इस इमेज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा ऑटोस्कोप, ऑप्शन सेकंड इज द प्रोटोस्कोप, ऑप्शन थर्ड इज द ऑप्थेल्मोस्कोप और ऑप्शन फोर्थ इज द टोनोमीटर। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर दिस इज द प्रोटोस्कोप। ओके प्रोटोस्कोप आल्सो नोन एज ए रेक्टोस्कोप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा हमारा सेकंड, दिस इज द प्रोटोस्कोप या प्रोटोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन इमेज, इस इमेज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आइडेंटिफाई करो। जैसे इस इंस्ट्रूमेंट को देख लिया, अब हम देखते हैं कार्डियक मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, बाइफेप और ईसीजी मशीन। तो राइट आंसर होगा हमारा दिस मशीन्स टू पेडल्स,
So this is the defibrillator machine. Okay, this answer is the second, defibrillator machine. Okay, defibrillator. What is the defibrillator? Defibrillator are device that restore a normal heartbeat by sending an electric pulse or shock to the heart. Okay, defibrillator एक device होती है जो क्या कि normal जो heartbeat है उसको restore करती है. कैसे? Electric pulse या shock heart को भेज करके, sending an electric pulse and shock to the heart. They are used to prevent or correct an arrhythmias. यह जो device है कब use की जाती है? यह prevent या correct arrhythmias. Arrhythmias को prevent करने या correct करने के लिए use की जाती है. और cardiac arrest बोलते हैं, cardiac arrest के अंदर use की जाती है. Okay. Question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दी बिलो सो इन पिक्चर इज ए बेड सोर प्रेजेंट इन बेड रिडन पेशेंट विच ग्रेट बेड सोर इन पेशेंट. ओके, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ. तो राइट जो आंसर होगा हमारा वो होगा फोर्थ स्टेज, फोर्थ. ओके, राइट आंसर इज द स्टेज फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट फॉलोइंग इन इमेज. इस इमेज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको मैं आइडेंटिफाई करूं. ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज द फोटो थेरेपी मशीन, ऑप्शन सेकंड इज द रेडिएंट वार्मर, ऑप्शन थर्ड इज द इंक्यूबेटर मशीन, ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? दिस इज द, बताइए, सपोज दिस इज द रेडिएंट वार्मर. ठीक है, ये है एक रेडिएंट वार्मर है, इंपॉर्टेंट है. रेडिएंट वार्मर को हम ओपन केयर सिस्टम के नाम से बोलते हैं, ओपन केयर सिस्टम. ओके, ओपन केयर सिस्टम. ओके, तो रेडिएंट वार्मर इज ए बॉडी वार्मिंग डिवाइस. ये एक बॉडी वार्मिंग डिवाइस है, डिवाइस टू प्रोवाइड हीट टू द बॉडी. दिस डिवाइस हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी body temperature of the baby and limit the metabolism rate. Okay, तो ये क्या है? Radiant warmer. ठीक है, किसके अंदर use होता है? बच्चों के अंदर, neonate के अंदर. ये मतलब heat provide करती है body को. Okay, next चलते हैं question number 12. Identify the machine. इस machine को हमें identify करना, identify the machine. इस machine को हम देखते हैं, this seen in this machine, graphics line दिख रही है, ECG. तो option first हमारा ECG machine, option second the CTG machine, option third is the cardiac monitor, option fourth is the pulse oximeter. तो right answer हमारा क्या होगा? This is the ECG machine. Okay, answer number first is correct. This is the electrocardiography machine. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज इन बिलो. इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, पोर्टेबल सक्शन मशीन, सक्शन मशीन, इन्फ्यूजन पंप, नन ऑफ द अबव. राइट आंसर इज द पोर्टेबल सक्शन मशीन. दिस इज द पोर्टेबल सक्शन मशीन. पोर्टेबल सक्शन मशीन्स
आर यूज्ड टू रिमूव सब्सटेंस सच एज ए ब्लड सेलाइवा म्यूकस एंड वोमिट फ्रॉम पर्सन्स एयरवे। ओके, इसके द्वारा क्या होता है, पोर्टेबल सक्शन मशीन के द्वारा सक्शन किया जाता है एयरवे का, जिसके अंदर म्यूकस है जो भी है उसको बाहर निकालने के लिए जो एयरवे है उसको क्लियरेंस या क्लियर करने की जो मशीन है उसको बोलते हैं सक्शन मशीन। ओके, तो राइट आंसर इसका हमें पढ़ लिया कि आंसर नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई दिस मशीन, आइडेंटिफाई दी मशीन, इस मशीन को आइडेंटिफाई करना, वेंटिलेटर मशीन, कार्डियक मॉनिटर, एनेस्थीसिया मशीन और यूएसजी मशीन। तो राइट आंसर इज द एनेस्थीसिया मशीन, आंसर थर्ड इज करेक्ट आंसर। एनेस्थीसिया मशीन, एन एनेस्थीसिया मशीन इज ए मेडिकल डिवाइस यूज्ड टू जनरेट एंड मिक्स ए फ्रेश गैस फ्लो ऑफ मेडिकल गैसेस इन नेशनल एनेस्थेटिक एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग एनेस्थीसिया। ये जो मशीन है एनेस्थीसिया, जो इनेशनल एनेस्थीसिया है, ठीक है, इसका जो पर्पज क्या है, इंड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग एनेस्थीसिया, जो एनेस्थीसिया को इंड्यूस करना और मेंटेन करना इस मशीन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई इंस्ट्रूमेंट शो ऑन द फॉलोइंग इमेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा रेडिएंट वार्मर, ऑप्शन सेकंड इज द फोटो थेरेपी मशीन, ऑप्शन थर्ड इज द इंक्यूबेटर मशीन, ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज द फोटो थेरेपी मशीन। ओके, इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, फोटो थेरेपी मशीन होती है। फोटो थेरेपी मशीन का क्या यूज होता है, इसका यूज होता है कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू डिक्रीज बिलीरुबिन लेवल इन इन्फेंट्स विथ सीवियर जॉन्डिस। ओके, ये मैं लिख देता हूँ, इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू डिक्रीज बिलीरुबिन लेवल इन इन्फेंट विथ सीवियर जॉन्डिस। ओके, इसका यह इफेक्टिव ट्रीटमेंट यही है, टू डिक्रीज बिलीरुबिन लेवल इन इन्फेंट्स विथ सीवियर जॉन्डिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई फॉलोइंग इमेज इन बिलो। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा रेडिएंट वार्मर, ऑप्शन सेकंड इज द फोटो थेरेपी मशीन, ऑप्शन थर्ड इज द इंक्यूबेटर मशीन एंड ऑप्शन फोर्थ नॉन ऑफ द अबो। ठीक है, तो इस मशीन को देखकर हमें आइडेंटिफाइड क्वेश्चन सारों में इमेज बेज क्वेश्चन है, इमेज को देख करके हमें आंसर देना है। ठीक है, तो इस इमेज को देखा, इस इमेज के अंदर क्या है, ये है एक इंक्यूबेटर मशीन है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, इंक्यूबेटर मशीन जिसको हम क्लोज्ड केयर सिस्टम बोलते हैं, क्लोज केयर सिस्टम। जो इंक्यूबेटर मशीन होती है इसका क्या काम होता है, जो इंक्यूबेटर मशीन इज एन अपरेटस यूज्ड टू मेंटेन एनवायरमेंटल कंडीशन सूटेबल एंड यूनिट, इट इज यूज्ड इन प्रीटर्म बर्थ, इट इज यूज्ड इन प्रीटर्म बर्थ। ओके, इसको प्रीटर्म बर्थ के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि जो नियोनेट है या इन्फेंट है उसको क्या करता है, सूटेबल इन्वायरमेंटल प्रदान किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, आइडेंटिफाई फॉलोइंग इमेज इन बिलो, इसको इमेज को देखो ये क्या है। ऑप्शन फर्स्ट इज द इमरजेंसी रिससिटेशन ट्रॉली, कार्डिक मॉनिटर, यूएसजी मशीन और डिफिब्रिलेटर। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज द क्रेश कार्ड, जिसको हम क्रेश कार्ड बोलते हैं, क्रेश कार्ड, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर।
इमरजेंसी रिससिटेशन टोली या क्रैश कार्ड। ओके, हर वार्ड के अंदर हॉस्पिटल के हर वार्ड में ये अवेलेबल होती है, जो इमरजेंसी इमरजेंसी के अंदर यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट पेशेंट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई फॉलोइंग इमेज इन बिलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इसी इमेज को आइडेंटिफाई करो। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा ICG मशीन, सेकंड इज द CTG मशीन, कार्डियक मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर। तो राइट आंसर इज द क्या होगा, दिस इज द CTG मशीन। CTG मशीन जिसको बोलते हैं CTG मशीन जिसकी फुल फॉर्म है कार्डियो टोकोग्राफी, कार्डियो टोकोग्राफी क्या होती है, कार्डियो टोकोग्राफी इज रिकॉर्डिंग द फीटल हार्ट बीट, मींस होता रिकॉर्डिंग द फीटल हार्ट बीट एंड द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, ये क्या होता है कार्डियो टोकोग्राफी रिकॉर्डिंग द फीटल हार्ट रेट एंड द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, CTG इसका नाम है, CTG। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द इमेज, इस इमेज को हमें आइडेंटिफाई करना। दिस इज द 82 ट्रेकोस्टोमी ट्यूब, लेरिंजियल मास्क एंड एम्बू मास्क। ओके, तो राइट आंसर इज द क्या है, लेरिंजियल मास्क। आंसर नंबर 3rd इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेरिंजियल मास्क इज ए मेडिकल डिवाइस दैट कीप्स ए पेशेंट एयरवे ओपन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया और अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, इट इज टाइप ऑफ सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस, इट इज ए टाइप ऑफ सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द मशीन, इस मशीन को हमें आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई द मशीन, दिस ऑप्शन फर्स्ट वेंटिलेटर मशीन, ऑप्शन सेकंड इज द कार्डियक मॉनिटर, ऑप्शन थर्ड इज द एनेस्थीसिया मशीन, ऑप्शन फोर्थ इज द USG मशीन। तो राइट आंसर होगा इसका आंसर नंबर 4, USG मशीन। ठीक है, USG मशीन क्या होती है, दी यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड टू प्रोड्यूस एन इमेज और फोटोग्राफ ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू कॉल्ड USG। ओके, USG के द्वारा क्या होता है, अल्ट्रासाउंड है वो अल्ट्रासाउंड यूज करके क्या हो सकता है, इमेज या जो एक अल्ट्रासाउंड यूज करके इमेज या फोटोग्राफ ऑर्गन और टिश्यू का प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, उसको हम बोल सकते हैं USG। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सोहेल, जो ये इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज है, टू कैच ब्लीडिंग आर्टरी, अकल्ट बाउल, वास्कुलर क्लैंप, क्लिप द ट्वाल। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आंसर इज 4, क्लिप द ट्वाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, सर्जिकल ब्लेड, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सो इन फोटोग्राफ इज, जो ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, ऑप्शन फर्स्ट इज द सर्जिकल ब्लेड, ऑप्शन सेकंड इज द बार्ड, पार्कर हैंडल, एम्स इंडो सीजर, MC इंडो सीजर और एसली प्रॉप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2nd इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द बार्ड पार्कर हैंडल।
ठीक है। इसके अंदर ये क्या होता है, यहाँ पे ये हैंडल होता है, जहाँ पर इसमें क्या होती है ब्लेड यूज होती है, ब्लेड का यूज किया जाता है ओके, जो सर्जरी करते हैं ड्यूरिंग या सर्जिकल प्रोसीजर, टू परफॉर्म सर्जिकल प्रोसीजर ओके। क्वेश्चन नंबर 22 इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द गिवन इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है ओके। दिस इज द ऑप्शन फर्स्ट हमारा आयरिस सीजर, ऑप्शन सेकंड द मायो सीजर, ऑप्शन थर्ड इज द मेटाजेनबाम सीजर और एपिसियोटोमी सीजर। तो करेक्ट आंसर इज द मायो सीजर, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, मायो सीजर। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, मायो सीजर ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट इन द गिवन पिक्चर, व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन फर्स्ट है हाई फ्रैक्टर, ऑप्शन सेकंड है हार्मोनिक स्केपल, मोनोपोलर कर्ट्री एंड बाइपोलर कर्ट्री। तो राइट आंसर होगा इसका वो क्या होगा, थर्ड मोनोपोलर कर्ट्री ओके, मोनोपोलर कर्ट्री, मोनोपोलर कर्ट्री यूज्ड इन इलेक्ट्रो सर्जरी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई दिस फोर्सेप्स, आइडेंटिफाई दिस फोर्सेप्स। ऑप्शन फर्स्ट एलिस फोर्सेप्स, ऑप्शन सेकंड इज बेकॉक फोर्सेप्स, ऑप्शन थर्ड इज द कोचर फोर्सेप्स और ऑप्शन फोर्थ इज द एडसन फोर्सेप्स। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इज द एलिस फोर्सेप्स। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एलिस फोर्सेप्स, एलिस फोर्सेप्स आर यूज्ड टू या यूज्ड फॉर ग्रास्पिंग ऑर्गन एंड डेंस टिश्यू ड्यूरिंग इलेक्ट्रो सर्जरी, ड्यूरिंग इलेक्ट्रो सर्जरी ओके। इस फोर्सेप्स का क्या नाम है, एलिस फोर्सेप्स है, इसका क्या यूज है, ग्रैप्सिंग पकड़ना ऑर्गन एंड डेंस टिश्यू ड्यूरिंग इलेक्ट्रो सर्जरी, सर्जरी के दौरान जो ऑर्गन और टिश्यू है उसको हमें ग्रैप्स यानी पकड़ने के काम आता है ठीक है, उसको बोलते हैं हम एलिस फोर्सेप्स। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना इंस्ट्रूमेंट का नाम और इसका यूज क्या है, इसके यूजेस क्या है वो पता होना चाहिए, एग्जाम में यही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सो इन फोटोग्राफ की, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है इसका क्या नाम है, एलिस फोर्सेप्स, बेकॉक फोर्सेप्स, कोचर फोर्सेप्स या एडसन फोर्सेप्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एडसन फोर्सेप्स, एडसन फोर्सेप्स। इसका क्या यूज है वो यूज भी हमें पता होना चाहिए, क्या यूज है, फॉर होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेलिकेट टिश्यू एंड मैनिपुलेटिंग डेलिकेट टिश्यू ओके। ये इसका हो गया यूज एडसन फोर्सेप्स। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द डिवाइस शोइंग द फोटोग्राफ, डॉन्स रिट्रैक्टर, डेवर्स रिट्रैक्टर, एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, नन ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर इसका क्या होगा,
डॉन्स डिटेक्टर, डॉन्स डिटेक्टर आंसर नंबर होगा फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा, वो क्या होगा डॉन्स डिटेक्टर। इसका जो यूजेस है उसका क्या यूज है, यूज्ड इन पेल्विक सर्जरी, यूज है इसका इन पेल्विक सर्जरी, पेल्विक सर्जरी के अंदर इसको यूज किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का कौन सी सर्जरी के अंदर यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट पेल्विक सर्जरी के अंदर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सो इन द फोटोग्राफ। ऑप्शन फर्स्ट है डॉन डिट्रैक्टर, लंडन्स रिट्रैक्टर, एंटीरियर वेजाइनल वॉल डिट्रैक्टर, कर्मान सक्शन केनुला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉन डिट्रैक्टर, सॉरी लंडन डिट्रैक्टर, आंसर नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या नाम है लंडन्स रिट्रैक्टर। इसका क्या यूज है, यूज्ड टू सेपरेट द एज ऑफ ए सर्जिकल इंसीजन और वूंड्स। ओके, इसका क्या यूज है, सेपरेट द एज ऑफ ए सर्जिकल इंसीजन और वूंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना। ऑप्शन फर्स्ट इज द क्रोकोडाइल फोर्सेप्स, ऑप्शन सेकंड इज द मस्कुट वाटरी फोर्सेप्स, चिट्टल फोर्सेप्स एंड बैंकॉक फोर्सेप्स। तो राइट आंसर इसका क्या होगा हमारा, फर्स्ट है क्या है क्रोकोडाइल फोर्सेप्स। इस क्रोकोडाइल फोर्सेप्स का यूज क्या है, क्रोकोडाइल फोर्सेप्स यूज्ड टू रिमूव फ्रोजन बॉडीज, फ्रोजन बॉडी ड्यूरिंग ईएनटी प्रोसीजर, ड्यूरिंग ईएनटी प्रोसीजर। तो इसका क्या यूज है, यूज्ड टू रिमूव फ्रोजन बॉडी ड्यूरिंग ईएनटी प्रोसीजर। ओके, दिस इज द क्रोकोडाइल फोर्सेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना, बैंकॉक फोर्सेप्स, कोचर फोर्सेप्स, चिट्टल फोर्सेप्स और एलिस फोर्सेप्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बैंकॉक फोर्सेप्स, आंसर नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। इसका जो यूज होगा वो क्या होगा, यूज्ड टू ग्राफ्स डेलिकेट टिश्यू इन लेजर प्रोसीजर, डेलिकेट टिश्यू इन लेजर प्रोसीजर। ओके, या दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड विथ इंटेस्टाइनल और लेप्रोटोमी प्रोसीजर, इंटेस्टाइनल और लेप्रोटोमी प्रोसीजर के अंदर भी यूज होता है। यूज टू ग्राफ्स डेलिकेटेड टिश्यू लेजर प्रोसीजर या इंटेस्टाइनल और डेलिकेट लेप्रोटोमी प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन फर्स्ट इज द नीडल होल्डर, ऑप्शन सेकंड इज द मस्कुट वाटरी फोर्सेप्स, ऑप्शन थर्ड इज द एडसेंट टिश्यू फोर्सेप्स, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज द मस्कुटो आर्टरी फोर्सेप्स, आंसर इज सेकंड मस्कुटो आर्टरी फोर्सेप्स एज ए हीमोस्टेट होल्डिंग कट एज होल्ड थ्री एंड्स ऑफ सूचर, होल्ड कट एंड ऑफ द सूचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फोर्सेप्स बिलो इन इमेज। ऑप्शन फर्स्ट इज द नीडल होल्डर, ऑप्शन सेकंड इज द
मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप्स, एडसन टिश्यू फोर्सेप्स और नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर दिस इज द नीडल होल्डर एंड ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. नीडल होल्डर. नीडल होल्डर का क्या यूज होता है? यूज्ड टू होल्ड ए सुचरिंग नीडल. सुचरिंग नीडल यूज टू ए सुचरिंग नीडल फॉर क्लोजर वूंड्स ड्यूरिंग सुचरिंग एंड सुचरिंग प्रोसीजर. ओके, ये जो नीडल होल्डर है इसको क्या यूज, सुचरिंग नीडल है उसको होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 33. आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट. ऑप्शन फर्स्ट द डॉन डिटेक्टर, ऑप्शन सेकंड इज द लंदन डिटेक्टर, एंटीरियर वेजाइनल वॉल डिटेक्टर और ऑप्शन फोर्थ इज द सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर. ओके, तो राइट आंसर इसका होगा आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर होगा, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर. ये क्या करता है? अलाउज हैंड्स फ्री ऑपरेशन ड्यूरिंग सर्जरी. अलाउज करेगा हैंड्स फ्री ऑपरेशन ड्यूरिंग सर्जरी. ओके, क्वेश्चन नंबर 34. आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट बिलोइंग इमेज. इस इमेज का जो इंस्ट्रूमेंट है, बोन कटिंग फोर्सेप्स, बोन चिसेल, कैलिस फोर्सेप्स, नन ऑफ द अबव. दिस इज द बोन कटिंग फोर्सेप्स. आंसर नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36. आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट. इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना. इंसेंटिव स्पायरोमीटर, माउथ सक्शन, म्यूकस एक्सट्रैक्टर और आईसीडी ड्रेन. तो राइट आंसर होगा इसका इंसेंटिव स्पायरोमीटर. आंसर नंबर फर्स्ट होगा हमारा इंसेंटिव स्पायरोमीटर. क्वेश्चन नंबर 37. आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट इन इमेज. इस इमेज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शन फर्स्ट स्किन स्टेपलर, स्किन स्टेपलर रिमूवर, मायोसीजर, नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर इज द स्किन स्टेपलर रिमूवर. इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड. क्या होगा? स्किन स्टेपलर रिमूवर. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38. आइडेंटिफाई द मशीन. इस मशीन को हमें आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शन फर्स्ट हमारा मॉनिटर, ऑप्शन सेकंड द नियोनेटल जॉन्डिस मीटर, डॉपलर फिटर मॉनिटरिंग और थर्मोमीटर. इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? दिस इज द डॉपलर फिटर मॉनिटरिंग. ऑप्शन थर्ड डॉपलर फिटर मॉनिटरिंग इज द करेक्ट आंसर. 39. आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट. बोन कटिंग फोर्सेप्स, बोन चिसेल, मेगली फोर्सेप, नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इज द बोन चिसेल. आंसर नंबर सेकंड इज द करेक्ट. ओके, यूज्ड टू कटिंग एंड सेफिंग ऑफ बोन ड्यूरिंग प्रोसीजर. जो बोन चिसेल है इसका जो यूज क्या होता है सुन लेना, लिख नहीं रहा हूं. यूज्ड फॉर कटिंग एंड सेफिंग द बोन ड्यूरिंग प्रोसीजर. प्रोसीजर के दौरान बोन को कट करने और बोन को सेव प्रदान करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं बोन चिसेल. ओके, क्वेश्चन नंबर 40. आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट बिलो इन इमेज. इसका इमेज है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शन फर्स्ट है हमारा एसेप्टोसिलिंग, ऑप्शन सेकंड इज द ब्रश पंप, ऑप्शन थर्ड इज द नेल्सन इनहेलर, ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर इसका क्या होगा? वो होगा हमारा फर्स्ट एसेप्टोसिलिंज. एसेप्टोसिलिंज का क्या है? एसेप्टोसिलिंज आर यूज टू इरिगेशन ऑफ वूंड और कैविटीज. यूज टू इरिगेशन ऑफ वूंड्स एंड कैविटीज. ओके,
41 आइडेंटिफाई द इमेज, इस इमेज को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन उसको वेजाइनल स्पेकुलम, सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम, ओस्टेटिकल फोर्सेप्स और नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा हमारा, जो इसका जो आंसर होगा वो होगा उसको वेजाइनल स्पेकुलम, आंसर नंबर फर्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना। माउथ सक्शन डिवाइस, म्यूकस एक्सट्रैक्टर, सक्शन कैथेटर, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा, वो होगा हमारा म्यूकस एक्सक्रेटर। ठीक है, इसका क्या यूज है, यूज्ड विद ए सक्शन मशीन टू मेंटेन एन एयरवे बाय रिमूविंग सीक्रेशन फ्रॉम माउथ थ्रोट एंड लंग्स। ओके आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मशीन, क्वेश्चन नंबर 43 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन फर्स्ट है स्किन स्टेपलर, स्किन स्टेपलर रिमूवर, नेल्स एंड इनहेलर, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, दिस इज द स्किन स्टेपलर, आंसर नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। स्किन स्टेपलर का क्या यूज है, यूज्ड टू क्लोज बोथ इंटरनल एंड स्किन वुंड, इंटरनल जो वुंड है और स्किन वुंड को क्लोज करने का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 44 आइडेंटिफाई द इमेज, कॉर्ड कटिंग सीजर, अम्बिलिकल कॉर्ड क्लंप, सिलास्टिक वेंटोज कफ और नन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा अम्बिलिकल कॉर्ड क्लंप, आंसर नंबर सेकंड। ओके टू क्लंप द अम्बिलिकल कॉर्ड फॉलोइंग डिलीवरी, डिलीवरी या ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी बोल सकते हैं, डिलीवरी डिलीवरी के दौरान जो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको क्लंप करने का काम आता है, वो इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्लंप। ओके क्वेश्चन नंबर 45 आइडेंटिफाई फॉलोइंग ट्यूब, इस ट्यूब को हमें आइडेंटिफाई करना। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सक्शन ट्यूब, गुडल एयरवे, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब और नन। तो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, वो होगा दिस इज द गुडल एयरवे, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, जिसका नाम है गुडल एयरवे। ओके दिस इज द गुडल एयरवे। थैंक्स फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। धन्यवाद, थैंक यू।